डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर बुधवार को बीएमएस के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एक छात्र की हालत हुई खराब, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गेट तक भी नहीं खोला। यूनिवर्सिटी प्रशासन खड़ा होकर तमाशा देखता रहा। बीएमएस प्रथम वर्ष के छात्रों ने बताया कि सप्लीमेंट्री उन्होंने एग्जाम दिया और वह आरटीआई की साइट खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय साइट खोल। विश्वविद्यालय प्रशासन अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं छात्र समस्याओं को लेकर। छात्र लगातार एक सप्ताह से विश्वविद्यालय आ रहे हैं और अपनी उनकी जायज मांग को विश्वविद्यालय के सामने रख रहे हैं कि वो आरटीआई की अनुमति उन्हें प्राप्त मिलनी चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा आरटीआई तक का अधिकार छात्रों को नहीं दिया जा रहा है। छात्र इस कदर परेशान है कि आज एक बेहोश छात्र हो गया है यहाँ पर, फिर भी विश्वविद्यालय अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इस पर विचार करेंगे, जब जाके कहीं कोई फैसला ले पाएंगे। ये विश्वविद्यालय का रूल छात्र इससे ऊपर नहीं है। विश्वविद्यालय के अधिकारी अपने स्वेच्छा से छात्रों के खिलाफ रूल बना लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि छात्रों से ऊपर कोई रूल है। विश्वविद्यालय अधिकारियों को तत्काल छात्रों की समस्याओं पर समाधान करना चाहिए और आरटीआई के लिए लिंक खोलना चाहिए। मैं प्रोवीसी हूँ। नहीं, विज्ञापन तो ले रहे हैं, इनसे बोल रहे हैं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है एप्लीकेशन में दे दीजिए, तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है। बाकी ये सारे जो बच्चे हैं, इन्होंने बीएमएस का एग्ज़ाम दिया, री एग्ज़ामिनेशन दिया, मेन एग्ज़ामिनेशन नहीं है। और हमारे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी रूल्स, इस वक्त आज के दिन जो रूल स्टैंड करता है कि री एग्ज़ामिनेशन के लिए आरटीआई या दोबारा रीवैल्यूएशन मना है, तो ये चीज़ हमने इनको बता दी है। लेकिन तब भी जब इनकी ये मांग है तो इस मांग को ऊपर रखा जाएगा और जो भी डिसीशन होगा उस पर इनको बता दिया जाएगा। अभी तबीयत खराब हो रही है, तबीयत खराब के लिए तो इनको पानी वगैरह पिला दिया गया, एम्बुलेंस बुला ली गई है, आ रही है, इनको ले जाएगी, डॉक्टर से इलाज कर रही है। मैं सलमान, बीएमएस थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। हम सभी छात्र जो भी यहाँ पे एकत्र हुए हैं, जैसा कि अभी हम लोगों का बीएमएस फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया सप्लीमेंट्री का, 16 तारीख को आया है, और उसमें हम लोगों को जो नंबर मिले हुए हैं उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है। और हर बार हमारा सप्लीमेंट्री का आरटीआई ओपन होता था, इस बार कल हम कुलपति जी के पास आके एक एप्लीकेशन दिया, उस पर साइन करवाया, उन्होंने परमिटेड कर दिया। और जो हमारे सहायक कुलपति हैं अजय कुमार, अजय कृष्ण गौतम जी, उनके लिए भेजा, उन्होंने भी साइन किया, तो कंट्रोलर साहब के पास वो एप्लीकेशन है। कंट्रोलर साहब का कहना ये है कि इसको हम नहीं ओपन करेंगे। मेन मुद्दा ये है कि ये लोग मेन का ओपन कर रहे हैं, मेन बीएमएस फर्स्ट ईयर मेन बैच का ओपन कर रहे हैं आरटीआई, और ये सप्लीमेंट्री का आरटीआई ओपन करने के लिए मना कर रहे हैं, जबकि हमारा अधिकार है और उसके लिए हमारे पास पुख्ता सबूत है। हमारी ये बीएमएस की कॉपी है, ठीक है, ये भी सप्लीमेंट्री की कॉपी है। इसमें आप यहाँ से वहाँ तक काउंट करिए, 64 मार्क हो रहे हैं, ठीक है, और अभी यहाँ पे देखिए 54 लिखा हुआ है। तो हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने आए हुए हैं, हम अपनी कॉपी देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं सब लोग, तो हम अपनी आरटीआई ओपन करवाने के लिए आए हैं। बहुत से छात्र हैं हमारे पास इस टाइम, तो अभी करीब 30-35 बच्चे इस टाइम होंगे, और भी बच्चे हैं। हम लोग एक हफ्ते से लगातार प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।